हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है और उसके क्या पॉसिबल थ्रेट्स होते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कहाँ से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, किन किन जगहों से, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो थ्रेट्स आती हैं, जो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं उनको हैंडल करने के लिए कौन कौन से हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, कौन कौन से नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षित रहे और उसके अंदर जो भी हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो कहीं से लीकेज ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। पहला टूल तो ये होता है। देखिए, ये इन पैकेज का काम क्या होता है, दिस पैकेजेस काउंटर मोस्ट वायरस थ्रेट्स इफ रेगुलरली अपडेटेड एंड करेक्टली मेंटेन। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या होते हैं, ये आपके आप सिंपली ये समझ लीजिए कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो वायरस को किल करने के लिए, वायरस को ख़त्म करने के लिए, उन प्रोग्राम्स को बर्बाद करने के लिए जो वायरस की तरह काम कर रहे हैं, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ किए जाते हैं। और ये तकरीबन सारे ही दे कैन डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द वायरसेस प्रोवाइडेड दैट इन एंटीवायरस को रेगुलरली, जब भी रिक्वायर्ड हो, जब भी इनका टाइम पूरा हो, इनको अपडेट करते रहना चाहिए और करेक्टली इसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये पहला हो गया आपका सिक्योरिटी टूल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज। दूसरा होता है सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं कि स्विचेज एंड राउटर्स हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स दैट सपोर्ट सिक्योर कनेक्टिविटी, पेरीमीटर सिक्योरिटी, इंट्रूजन प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मतलब कि सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो भी स्विचेस या जो भी हम लोग स्विचेस या राउटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हार्डवेयर लेवल पे अगर हम बात करें, हार्डवेयर के हिसाब से हम बात करें और सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करें, तो सिक्योरिटी फीचर्स बने होते हैं ताकि वो हमारे नेटवर्क को सिक्योर रख सकें। अब सो दैट दे सपोर्ट सिक्योर कनेक्टिविटी, पेरीमीटर सिक्योरिटी, इंट्रूजन प्रोटेक्शन मतलब कोई उसमें घुसपैठ ना कर पाए, कोई भी इंट्रूडर, और आइडेंटिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। एक तो हो गया सिक्योर कनेक्टिविटी, दूसरा हो गया आपका पेरीमीटर सिक्योरिटी, पेरीमीटर सिक्योरिटी, तीसरा हो गया आपका इंट्रूजर प्रोटेक्शन, इंट्रूजन प्रोटेक्शन, नेक्स्ट हो गया आइडेंटिटी सर्विसेज और नेक्स्ट हो गया आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये सारे फीचर इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्विचेस में और राउटर में ताकि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो सिक्योर रहे। डेडिकेटेड नेटवर्क सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स सच एज, अब इसमें क्या यूज करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फायरवॉल्स, ठीक है, एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन, जैसे कोई इंट्रूडर आएगा आपके नेटवर्क में, कोशिश करेगा घुसने की, तो जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक
है, दे प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ऑल एरियाज ऑफ द नेटवर्क एंड एनेबल सिक्योर कनेक्शन। तो दूसरा तो स्टेप ये हो गया कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम जितना पॉसिबल हो सके फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की मदद से उसको सिक्योर कर देते हैं। तीसरा स्टेप जो हम लोग बात करते हैं वो है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसको आप शॉर्ट में वीपीएन भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या करता है, दीज नेटवर्क्स प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा एनक्रिप्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। दिस अलाउज रिमोट वर्कर्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट द रिस्क ऑफ ए हैकर और थीफ इंटरसेप्टिंग डेटा। मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करते हैं कि ये एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं कि भाई कौन कौन एक्सेस कर सकता है नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को, और कौन कौन नहीं कर सकता है। और एक्सेस कंट्रोल के साथ ही साथ ये डेटा एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन वर्ड मान लीजिए आपके लिए नया होगा तो एनक्रिप्शन को आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कोडिंग, मतलब जो भी डेटा का कम्युनिकेशन होता है वो कोडेड फॉर्म में होता है। तो जो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं इनमें एक्सेस कंट्रोल कि कौन आदमी एक्सेस कर सकता है मेन कंप्यूटर नेटवर्क में, और जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है कि अगर किसी ने इंटरसेप्ट भी कर लिया तो उसके वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इससे फायदा क्या होता है, दिस अलाउज रिमोट वर्कर्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट द रिस्क ऑफ ए हैकर और थीफ इंटरसेप्टिंग डाटा। तो इससे जो है मदद मिल जाती है, तो हैकर की जो थ्रीट रहती है या जो भी इंटरसेप्टिंग करने वाले लोग रहते हैं उनसे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब चौथे मेथड पे आप आ जाइए, चौथा होता है आइडेंटिटी सर्विसेज, आइडेंटिटी सर्विसेज। इसमें क्या होता है आइडेंटिटी सर्विसेज में, दीज सर्विसेज हेल्प टू आइडेंटिफाई यूजर्स एंड कंट्रोल दियर एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन ऑन द नेटवर्क। सर्विसेज इंक्लूड पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल ऑथेंटिकेशन की। मतलब आइडेंटिटी सर्विसेज में ये होता है कि हम ये मतलब हम मतलब कंप्यूटर, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो ये एश्योर करता है कि जो यूज करने वाला व्यक्ति है वो वही व्यक्ति है कि नहीं। ठीक है, तो वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है, वो पासवर्ड डालने के लिए कहता है कि भाई पासवर्ड डालिए। अब जो जो ऑथराइज यूज़र होगा, जो ऑथेंटिक यूज़र होगा, उसी के पास तो पासवर्ड होगा। तो पहला तो हो गया पासवर्ड के थ्रू, दूसरा और क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट्स के थ्रू, और तीसरा हो गया आपका डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज के थ्रू। मतलब इन सारे मेथड से, डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज के थ्रू वो वेरीफाई करता है एक लेवल पे, दो लेवल पे, कि जो बंदा एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वो वही पर्सन है या नहीं। जैसे आपको इसके एग्जांपल बताया, बैंकों में आपने देखा होगा कि मान लीजिए जैसे कोई बैंक एम्प्लाई है वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है, तो कंप्यूटर ऑन करते टाइम वो लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड तो डालता ही डालता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो एक बायोमेट्रिक इम्प्रेशन वाली मशीन रखे रहते हैं छोटी सी, उस पर अपना अंगूठा लगाते हैं तब जाके उनका कंप्यूटर चालू होता है। तो वो एक तरह से दो लेवल की सिक्योरिटी हो गई, एक तो उन्होंने पासवर्ड डाला तब उनका एक्सेस अलाउ हुआ लेकिन पूरा नहीं अलाउ हुआ, फिर जब वो फिंगरप्रिंट अपना लगाते हैं तब फिर वो जहाँ तक भी उनको एक्सेस अलाउड है वहाँ तक अलाउ होता है। तो ये होता है आइडेंटिटी सर्विसेज। अब उसके बाद आप आ जाइए इनक्रिप्शन पे। इनक्रिप्शन अभी हमने आपको शॉर्ट में बताया था कि कोडिंग कर रहा है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन इंश्योर्स दैट मैसेजेस कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड और रेड बाय एनीवन अदर देन द ऑथराइज्ड रेसिपिएंट्स। तो एनक्रिप्शन का वही हमने आपको बताया कि इसको आप सिंपली आप ये समझ लीजिए कि कोडिंग मतलब जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो कोडेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा कि से हम ट्रांसफर कर रहे हैं वाराणसी, ऐसे समझ लीजिए, और हमने कुछ अपनी कोडिंग टेक्निक के हिसाब से हमने ये किया हुआ है कि भाई हमने यहाँ पे सारे लेटर्स को
क्या किया हमने, ए बी सी डी ई अप टू जेड, इन लेटर्स को हमने कोई भी कोडिंग टेक्निक के हिसाब से हमने सेट किया हुआ है। मान लीजिए हमने कहा कि ए को हमने स्टार से किया हुआ है, बी को स्लैश से, सी को डॉलर से, डी को हमने कुछ और, डी को हमने कहा कि मान लीजिए हमने कहा अंडर स्कोर से, ई को से इससे, ठीक। अब सपोज कीजिए इसी पैटर्न पे जो वाराणसी है उसकी कोडिंग मान लीजिए कि ये आई, ऐसे आया, ये आया अंडर स्कोर आया और भी कुछ डॉलर आ गया, ये आ गया इस तरह आया, तो अब जो डाटा है वो इस तरह की फॉर्म की बजाय वो इस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। अब इसको मान लीजिए किसी ने इंटरसेप्ट भी कर लिया तो उसको ये मिलेगा, ठीक है। अब उसको कैसे मालूम कि इसका मतलब वाराणसी है, अनटिल अनलेस कि उसके पास ये कीज ना हो जो पैटर्न हमने डिसाइड किया है। तो दिस दिस ये मैंने आपको बहुत ही हल्के सिंपल एग्जांपल में समझाया ताकि समझ में आए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, इन विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, एंड दैट कोड इज नोन ओनली बाई द सेंडर एंड रिसीवर, तो दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है नेटवर्क सिक्योरिटी टूल में वो आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो सिक्स मेथड हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि दिस इज द ग्लू दैट होल्ड्स टुगेदर द अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सॉल्यूशन। मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट में अभी जो पिछली हम लोगों ने पांचों चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना, पांचों मेथड पढ़े थे नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स के, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करता है, इन सबको आपस में बांध के रखता है, इट एक्ट्स लाइक ए ग्लू, ठीक है, ताकि सारी चीजें काम, एंटी जैसे पहला हमने पढ़ा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी काम करें, फिर आपका सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी, फिर आईएनटी सर्विसेज भी, फिर वीपीएन भी, और फिर आपका इंक्रिप्शन भी, इन सबको एक साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में रन कराने का काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल करता है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज अप्रोचेस एलॉन विल बी सफिशियंट टू प्रोटेक्ट ए नेटवर्क, बट वेन दे आर लेयर टूगेदर दे कैन बी, देखिए वही चीज जो अभी हमने आपसे कहा कि टू लेवल सिक्योरिटी, थ्री लेवल सिक्योरिटी, मतलब कि ये जो हमने आपको पांचों छह टूल बताए हैं, ये कोई जैसे आपने कहा कि हमने अपने सिस्टम पे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया और वो हमारा फुल्ली सिक्योर हो गया, नहीं, हमने कहा कि हम कंप्यूटर नेटवर्क में वीपीएन यूज कर रहे हैं हमारा फुल्ली सिक्योर हो गया, नहीं। कोई भी इस पे सिंगल मेथड या कोई भी सिंगल टेक्निक ऐसी नहीं है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क को 100% सिक्योरिटी प्रूफ कर दे। हाँ, हम ये कर सकते हैं सिक्योरिटी को ऐसे एनहेंस कर सकते हैं कि हम उसको डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, जैसे हमने एंटी सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी इंस्टॉल किए हुए हैं कंप्यूटर पे, फिर अपने राउटर्स और स्विचेस को भी हमने एकदम नेटवर्क सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आईएनटी सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे हम वीपीएन, मतलब वी कैन प्रोवाइड मल्टी लेयर सिक्योरिटी टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंप्यूटर नेटवर्क। कई लेयर की सिक्योरिटी हम यूज कर सकते हैं तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा फुल प्रूफ हो जाएगी, ठीक। इन एडिशन वेल थॉट आउट कॉरपोरेट पॉलिसीज आर क्रिटिकल टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल एक्सेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क। अच्छा, इन सारी चीजों के अलावा उन्होंने एक चीज और भी कहना है कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि वेल थॉट आउट कॉरपोरेट पॉलिसीज, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसका क्या मतलब हुआ। वेल थॉट आउट मतलब कि आप जो किसी भी भाई जो भी आपका काम है जिसके लिए आप वो कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर रहे हैं उस पॉलिसी को ही आप इस तरह बनाइए, उस प्रोसेस को ही आप इस तरह डिजाइन कीजिए कि उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स कम से कम हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल लैंग्वेज हम आपको बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई प्रोजेक्ट है हमारा से
10 साल का। अब उसको हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसे डिज़ाइन किया है कि भाई पहले 2 साल में जो काम किया उसका जो भी डाटा वाटा है उसको हमको जरूरी नहीं कि हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क में रखें, हम उसको कहीं और स्टोर कर सकते हैं अगर अभी आगे वो फ्रिक्वेंटली ना यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा ईयर 3, 3 साल से 5 साल के बीच का जो डेटा है फिर वो आगे अभी नहीं यूज़ होगा, फिर उसको हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क से हटा के कहीं सिक्योर स्थान पे प्लेस कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरह की आप कॉरपोरेट पॉलिसीज़ को इस तरह से आप डिज़ाइन और सोच कर डीपली सोच के डिज़ाइन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हमारे नेटवर्क पे कम से कम आए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा नेटवर्क सिक्योरिटी के कौन कौन से टूल हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, और अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई टॉपिक रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा लेक्चर। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पर उसका इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।